Hey guys, and welcome back to another video. Almost ek hafte pehle, I was lucky enough to get my hands on the Canon 1DX Mark III recently launched camera and one of the best cameras so maine aaj tak try kiya hoga. And honestly, I'm saying this because autofocus, performance, speed, focus accuracy or new features jo usme hai, that has to be the best that I have ever tried. Especially jab main apna Canon EOS R usko use karne ke baad wapis use kar raha tha, mere ko kahin na kahin laga ki shayad mere ko 1DX Mark III le lena chahiye. But abhi as per my needs, I might not go for that camera. But kafi logon ke liye 1DX Mark III can be a good option, especially agar aap professional sports एक्शन या वाइल्ड लाइफ या इवन वेडिंग फोटोग्राफी करते हो. अब मैं इस वीडियो में 1DX Mark III का रिव्यू नहीं दूंगा. आई जस्ट बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस जो मैंने एक दो दिन इस कैमरा के साथ स्पेंड किए. मैं दिल्ली ज़ू गया था, वहाँ पे मैंने कुछ बर्ड फ्लाइट्स शूट करी, कुछ एनिमल्स के फ़ोटो शूट करे टू ट्राई कि इसका फोकस एक्यूरेसी कैसा है. एंड स्पेशली 16 FPS व्यू फाइंडर के थ्रू एंड 20 FPS लाइव व्यू में इससे शूट कर सकते हैं फोटोज़. और इंटरेस्टिंगली जब शटर बटन मैंने प्रेस किया, इसका जो बफर है दैट इज़ 1000+ अगर आप रॉ प्लस जेपेग में शूट कर रहे हो. सो इट्स लाइक आप प्रेस करके रखते हो एंड अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे बर्ड फ्लाइट जा भी रहा है, चाहे वो 4, 5 या 10 सेकेंड भी हो, आप सारी फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो. सो मैं अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करता हूँ आपके साथ शेयर करना. थोड़ा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नहीं पता, कैनन का जो लेटेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट कैमरा जो अभी अनाउंस हुआ है, दैट इज 1DX Mark III, टॉप ऑफ द लाइन DSLR कैमरा, 20.1 मेगापिक्सल्स का फुल फ्रेम कैमरा है ये. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें मेरे को लगी वो है इसका FPS, जो पहले 14 FPS था 1DX Mark II में, नाउ इट हैज़ बीन इम्प्रूव टू 16 FPS. और लाइव व्यू में मैं 20 FPS पे शूट कर सकता हूँ. ट्रस्ट मी, जो जब मैं इसको शूट कर रहा था सर्वो AI ऑटो फोकस के साथ 16 FPS पे व्यू फाइंडर के साथ, ऑलमोस्ट सारे फोटोज़ मेरे फोकस में थे. और इतना कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड था, स्टिल मेरा जो बर्ड फ्लाइट है वो एकदम एक्यूरेटली ट्रैक हुआ एंड मेरे जो सारे शॉट्स थे मेरे को फोकस में मिल गए. अब अगर मैं फोकसिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें 191 फोकस पॉइंट्स हैं अगर आप व्यू फाइंडर के थ्रू शूट कर रहे हो. एंड इंटरेस्टिंगली जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, दैट इज़ AI बेस्ड फेस एंड हेड डिटेक्शन. सो अगर आप पोर्ट्रेट्स, वेडिंग्स या ह्यूमन सब्जेक्ट्स को शूट कर रहे हो, वहाँ पे ये AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काफ़ी एक्यूरेटली फोकस एंड हेड पे फोकस ट्रैक कर सकता है. एंड अगर मैं बात करूँ लाइव व्यू की, तो वहाँ पे 525 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप आई ऑटो फोकस को यूज़ कर सकते हो, जो विच आई ऑलवेज यूज ऑन माई EOS R. अब अगली चीज़ जो मेरे को काफ़ी सही लगी इस कैमरा में वो है AF ऑन बटन. अब ये फर्स्ट ऑन एनी कैनन कैमरा है ये टेक्नोलॉजी. जो AF ऑन बटन है उसमें एक सेंसर है जिसपे मैं जस्ट टच करके ड्रैग करता हूँ तो मैं काफ़ी फास्ट ऑटो फोकस पॉइंट्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जा सकता हूँ. और ये जब मैं बर्ड के शॉट्स ले रहा था बहुत काम आया. जब मैं मैन्युअली शूट कर रहा हूँ, मैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे फोकस पॉइंट ले जा पा रहा था, बिकॉज जब मैं व्यू फाइंडर से शूट कर रहा हूँ 191 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट से दूसरे कॉर्नर में भी अगर मैं जाता हूँ सो बहुत टाइम लग जाता है ट्रेडिशनल वे में, बट यहाँ पे सेंसर बहुत फास्ट है, काफ़ी एक्यूरेट है. उसके बाद अगर आप जेपेग ज़्यादा शूट करते हो बिकॉज ऑफ साइज़, या आपको चाहिए कि जेपेग शूट करना है, कैनन ने इसमें एक नया फॉर्मेट दिया है, दैट इज़ हाइफ, HEIF. अब इसको यूज़ करके दो बेनिफिट्स हैं. एक कि आपकी जो 8-bit मिलता है जेपेग में, हाइफ में 10-bit का इमेज होता है एंड जो फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस रहती है, बट एट द सेम टाइम डिटेल्स जेपेग से ज़्यादा रहेंगी. सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है बाय कैनन कि एक तो आपका फाइल साइज सेव हो रहा है एंड एट द सेम टाइम आपको 8-bit की जगह 10-bit का फाइल मिल रहा है. सो एडिटिंग में डायनामिक रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा एरिया है टू प्ले अराउंड व्हेन यू आर एडिटिंग एन इमेज. अब लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं कैनन 1DX Mark III के बारे में शेयर करना चाहूँगा वो है इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़. सबसे हाईलाइटिंग फीचर है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट होते हैं वो इस कैमरा में हैं. यू कैन शूट
5.5K at 60fps raw file, आप 60fps शूट कर सकते हो 4K में, और आप 1080p में 120fps शूट कर सकते हो। एंड एक चीज़, 4K में कोई भी क्रॉप नहीं है। सो जिन लोगों का कंप्लेन था कि 4K में क्रॉप रहता है कैनन में, दैट इज़ नो मोर देयर। आप 4K फुल फ्रेम जो रहता है विदाउट एनी क्रॉप आप वो शूट कर सकते हो। एंड इंटरेस्टिंगली सी लॉग भी आप शूट कर सकते हो एंड एट 422, वो भी इंटरनल 10 bit। सो वीडियो कैपेबिलिटीज इसमें बहुत हैं। मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो दे आर एंडलेस वीडियो फॉर्मेट्स एंड ऑप्शंस। 4K में इतने ऑप्शंस हैं, 1080p में इतने ऑप्शंस हैं। सो मेरे हिसाब से, मैंने जो इसको 2 दिन यूज़ करा, दिस इज द बेस्ट कैमरा दैट आई हैव एवर ट्राइड। बी इट द बिल्ड क्वालिटी, इट इज़ बिल्ड लाइक अ टैंक। बहुत बहुत ज़्यादा जब आप यूज़ करते हो आपको पता लगता है कितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। फीचर्स अमेजिंग, वीडियो कैपेबिलिटीज़ बहुत अमेजिंग हैं। एंड स्पेशली अगर आप ऑटो फोकस एकदम एक्यूरेट रखना चाहते हो, आप वेडिंग शूट कर रहे हो, कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको चाहिए एक स्प्लिट ऑफ सेकेंड का भी जो शॉट है उसका फोकस मिस ना हो, दिस कैन बी दैट कैमरा। आपके व्यूज़ क्या हैं मेरे को कमेंट करके बताना। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो कैमरा है दिस इज़ एम टूवर्ड्स प्रोफेशनल्स, बिकॉज इसका प्राइस भी इट इज़ मोर देन 5 lakh। एक्यूरेट प्राइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया। सो दिस इज़ इट। मेरा क्या प्लान है, मैं इस कैमरा को लेना चाहूँगा या नहीं, एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद USR, बट इन फ्यूचर अगर मेरे को लगता है मेरे को वीडियो की क्वालिटी में अपग्रेड करना है, आई माइट गो फॉर दैट कैमरा। आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताना, आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।